नयन बोरकर, हेलो सर। हेलो नयन जी, कैसे हैं आप? भास्कर वसनिक, सर आप प्रोफेशनल तबला बजाने के लिए कितने घंटे मिनिमम रियाज करना चाहिए? प्रोफेशनल तबला बजाने के लिए कितने घंटे रियाज करना चाहिए? क्या होता है ना, एक एज होती है, एक उम्र होती है जिसमें रियाज जितना हो सके उतना करना चाहिए। रियाज का कोई हिसाब किताब नहीं होता, जिसको कहते हैं ना भूतों वाला रियाज, ना दिन देखी ना रात देखा, बस रियाज 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 कर रहे हैं। लेकिन जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आप पे जिम्मेदारियाँ आती हैं घर की, परिवार की। उसके बाद प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रियाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप चाहें तो घंटा दो घंटा तबले का अभ्यास रियाज करना ज़रूरी है डेली, अगर आप इसको प्रोफेशनली मेंटेन करना चाहते हैं ज़िंदगी भर। ठीक है, मिश्रा म्यूजिकल, सर जाकिर हुसैन जी का कोई एक कंपोजिशन बताइए ना। सर जाकिर हुसैन जी की जो कंपोजिशन है वो बड़ी फेमस है, बहुत से लोग बजाते हैं। ठीक है, अभी वो उनकी कंपोजिशन मैं क्या बताऊंगा सर, पूरी दुनिया बजाती है उनका, पूरी दुनिया उनको उनका स्टाइल फॉलो करती है। हाँ, कुछ तबला प्लेयर्स हैं जो अपना ओरिजिनल साउंड लेकर आए हैं, जो उनको नहीं फॉलो करते हैं, कोई किसी और को फॉलो करता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं, ओपिनियन है। और रही बात उनके बोलो की, तो अभी मैं क्या बताऊँ, वो पंजाब की एक बड़ी फेमस चीज़ है, धाज कितने नान कितने नान धाज कितने नान कितने नान धाज कितने नान कितने नान धाज कितने नान कितने नान। वो जाकिर भाई ने इतना इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बजाया है और हर तालों में बजाया है, इतना खूबसूरत और इतनी अच्छी लय पर बजाया है कि वो उन्हीं के हाथ से अच्छी लगती है। गौरव निम्बुलकर, आई विजिटेड टू योर क्लास सर। गौरव, यस यस डेफिनेटली आई डू रिमेंबर यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड जॉइनिंग मी। दोस्तों, ये गौरव निम्बुलकर हैं, ये मेरे नए स्टूडेंट हैं और आज इनका श्री गणेश हुआ था। आज ये ऑफलाइन क्लासेस ली इन्होंने, ये आए थे मेरे घर पर, इन्होंने तालीम ली और इनको भी बड़ा मज़ा आया मुझसे मिलके, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। आप सब इनके हक में प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि ईश्वर इनको खूब आगे बढ़ाए और कामयाबी दे। रविकांत ठाकुर तबला, जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा रविकांत जी, कैसे हैं? घर पे सब कुशल मंगल हैं? नयन बोरकर, हेलो सर। हेलो नयन जी, कैसे हैं आप? तबला प्लेयर व्लॉग सागर, हाय सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी मच फाइन, हाउ आर यू सागर? ढूंढ ले सर, हरिहरन साहब के साथ आपको पहले देखा सर। अच्छा, शुक्रिया सर। रिजू सेन गुप्ता, बंगाली में आपको एक बात बोलना है। आमी तुम्हारे भालो भाषी सर, प्रणाम सर। अच्छा, अभी आमी तुम्हारे भालो भाषी, आई लव यू सर। अभी इसको बोलेंगे आई लव यू टू, तो उसको बंगाली में कैसे बोलेंगे वो भी लिख के बोलो, वो भी लिख के बताओ, तो फिर मैं बोलूँगा यहाँ से। ठीक है, रविकांत ठाकुर तबला, जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा रविकांत जी। अर्का साहा, टू बी अ गुड तबला प्लेयर हाउ लॉन्ग वन शुड प्रैक्टिस अ डे? एटलीस्ट 1.5 hours to 2 hours एटलीस्ट। अकलंता ज्योति बोरा, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपका सारा वीडियो देखता हूँ, मैं भी तबला सीख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का अकलंता जी, आपकी ऑनेस्टी और ये ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे दिल से प्रार्थना है, दुआ है आपके लिए कि ईश्वर आपको खूब आगे बढ़ाए, कामयाबी दे। क्योंकि भरी महफिल में किसी को अपना गुरु एक्सेप्ट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, एक ईमानदारी की बात है और ये बहुत अच्छी बात है, आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरे दिल से दुआ है आप खूब आगे बढ़ें, थैंक यू। रविकांत ठाकुर, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे रविकांत जी, आगे तो बोलिए। मिश्रा म्यूजिकल, सर मैं तबला फास्ट बजा लेता हूँ बिना किसी मिस्टेक के, लेकिन बोल का आवाज़ ज़ोर से नहीं आता, क्या करूँ? तबला फास्ट बजा लेते हैं आप, अरे वाह, जब आप फास्ट बजा लेते हैं और उसके बावजूद आवाज़ नहीं आती तो तबला गूंगा है आपका, वो बोल नहीं सकता। अब वो बोल क्यों नहीं सकता, तो सबसे पहली बात तो जो बोल आप बजा रहे हैं वो धीरी लय में बजाइए। क्या धीरी लय में जब आप बजाते हैं तो आपको आवाज़ आती है, अगर आपकी आवाज़ आती है तो इसका मतलब तबला गूंगा नहीं है, आपको अभ्यास और रियाज की ज़रूरत है और सही रियाज सही अभ्यास की ज़रूरत है।
ठीक है। छोटू गुप्ता, गुरुजी लय में कैसे पक्का बनाएं? लय में बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात कही छोटू गुप्ता की तरफ से, क्वेश्चन आया बहुत अच्छा है दोस्तों, ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। लय को कैसे पक्का करें? देखिए, एक से आठ जाना और आठ से एक आना, जब आप इसको सक्षम कर लेंगे तो आप समझ लेना कि आप लय में पक्के हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एक 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 दो एक दो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच 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 छः 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 सात 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 आठ अभी एक दो तीन चार पाँच छः सात 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 एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन एक दो एक दो एक। ये जो क्रिया है इसको बैठ के आपको ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से इस पर मेहनत करनी है। अगर ये हिसाब किताब आपके हाथ में बैठ गया, इसमें पूरी दुनिया की जो लय है, पूरे दुनिया का संगीत का जो लय है वो इसी ग्राफ में है। अगर ये आपकी ग्राफ बैठ गया, एक से आठ और आठ से एक, आना और जाना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अगर ये बैठ गया तो आपकी लय पक्की हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन लय को पक्का करने के लिए, आप कोई भी बोल बजाते हैं, मेट्रोनोम लेके बैठिए और जो बोल बजा रहे हैं उस बोल को मेट्रोनोम के साथ कंपेयर कीजिए। क्या आप मेट्रोनोम की जो ताल चल रही है वो समान लय चाल आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तीसरा, जब आपको लगता है कि नहीं आपकी लय थोड़ी सी पक्की हो गई है, फिर उसके बाद आप हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, लहरे के साथ। तो ये तीन ऑप्शन है, तीनों को अच्छे से सोचिए, आराम से ध्यान लगा के बैठिए और इस पर अभ्यास कीजिए। छोटू गुप्ता जी, मैं आपका उत्तर दे चुका हूँ, लय कैसे पक्का करें, ठीक है। कुछ चीज़ अगर आप छोड़ दी होगी तो पीछे रिवाइंड करके बाद में देख लीजिएगा मेरे वीडियो को। रविकांत ठाकुर जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा रविकांत जी। डूडल सर, आपको पहली बार हरिहरन साहब के साथ देखा था, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम, थैंक यू सो मच। चंद्रिका वादक, वाह, शुक्रिया जी चंद्रिका जी। सर, ताफू खान साहब को आप सुनते हो? बिल्कुल, ताफू खान साहब से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ताफू खान साहब एक बहुत उम्दा उस्ताद हैं, बहुत ऊंची चोटी के कलाकार हैं और हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने तबले में एक नई क्रांति लाए हैं और नया रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, एंड मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ उनके स्टाइल से, मुझे बहुत पसंद है उनका स्टाइल और उनके एक्सप्रेशंस बहुत कमाल होते हैं तबले के बोलों के साथ जब वो बजाते हैं। इतना एक्सप्रेसिबल तबला है उनका कि क्या बात है। मेरे फेवरेट्स में से हैं उस्ताद ताफू खान साहब, उस्ताद शौकत मियां खान साहब, मुझे बहुत पसंद है। उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब मुझे बहुत पसंद है। ये सब मेरे फेवरेट तबला प्लेयर्स में से हैं। और उस्ताद पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी, आई लव हिज प्लेइंग। पंडित जी की प्लेइंग से मुझे बेहद मोहब्बत है। और पंडित शांतर प्रसाद जी, फिर उसके बाद उस्ताद साबिर खान साहब, फिर मेरे गुरु उस्ताद हिदायत खान साहब, दिल्ली वाले उस्ताद लतीफ़ अहमद खान साहब, तो ये सब मेरे फेवरेट तबला प्लेयर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। शांतर प्रसाद जी मुझे बहुत पसंद है, अनोखे लाल मिश्रा जी मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से इन सबको सुनता आया हूँ सर। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, आप सबको सुनिए, सबका स्टाइल सुनिए, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद सबको सुनने के बाद आप अभ्यास पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए और उसके बाद आप अपना स्टाइल खुद बनाने की कोशिश कीजिए। छोटू गुप्ता, छोटू जी मैं आपका आंसर दे चुका हूँ, कृपा करके ज़रा प्लीज़ वीडियो
बाद में थोड़ा पीछे जाके देखिएगा, मैंने काफ़ी बड़ा और अच्छा उत्तर दिया है कि लय को कैसे पक्का करें। विवेक दहिवलकर, जब आप गज़ल के साथ संगत करते हैं तो कैरवा दादरा के ठेके के साथ उसके बोल और मात्रा का आवर्तन, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है क्या? डेफिनेटली ज़रूरी है। जब आप गज़ल बजाते हैं तो तबले वाले का फ़र्ज़ बनता है कि वो तहजीब और तमीज़ में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मैनरिज़म्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे कि वो किस शेर पे कहाँ उसको पिकअप उठना है, और अगर वो लगी बजा रहा है तो उसकी तिहाई कौन से शेर पे कहाँ ख़त्म होनी चाहिए, और गज़ल का जो मुखड़ा बांधा है उसमें सम कहाँ पर गिरेगा, चाहे वो दादरा बजा रहा है या कहरवा बजा रहा है। तो ये सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको जो बाकायदा लाइट अच्छे से बजाता है वही उस्ताद और गुरु से सीखने को मिलेगा, ये हर किसी से सीखने को नहीं मिलेगा। छोटू गुप्ता का सवाल, क्वेश्चन कई बार आ रहा है कि गुरुजी लय को कैसे पक्का करें। छोटू गुप्ता, कृपा करके आप मेरे मैंने आपका ऑलरेडी उत्तर दे दिया है, आंसर दे दिया है। इस सेशन ख़त्म होने के बाद कृपा करके जो मैंने कहा है वो आप थोड़ा सा मेरे वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखिएगा, सुनिएगा, आपको आपका आंसर मिलेगा। संतोष मलावड़े, सात संगत के लिए कैसे रियाज करते हैं? सात संगत के लिए आपको, आप जिसके, आप गाने वाले के साथ बैठे हो या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ बैठे हो, आपको प्रैक्टिकली उनके साथ बैठ के आपको बजाना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं, क्या आप बजा सकते हैं कि नहीं सकते। फिर चाहे वो कुछ भी गाए, वो कव्वाली गाए, गज़ल गाए, भजन गाए, ठुमरी गाए, दादरा गाए, क्लासिकल गाए, नॉन क्लासिकल गाए, डिस्को गाए, वो सारी बातें आपको प्रैक्टिकली करने पर ही पता चलेगा। केसर क्लासिकल, सर आपका कौन सा घराना है? सर मेरा जयपुर और दिल्ली है, दिल्ली जहाँ तबला पैदा हुआ, जो सबका पिताजी है, सब घरानों का पिताजी, और जयपुर, तो दिल्ली और जयपुर घराने का मैं तबला बजाता हूँ। और मेरा घराना वो है। लेकिन क्या होता है कि जब आप तबले को प्रोफेशनली करते हैं तो एक लेवल पे जाने के बाद फिर आप सभी घराने की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सीखते हैं, और अच्छी बातें सीखना और बजाना और उन बुज़ुर्गों का नाम लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये कायम रहना चाहिए। ठीक है सर जी, तबले पर सिंगिंग बहुत हार्ड लगता है। तबले पर सिंगिंग, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, ज़रा अच्छे से पूछिए सर। आयुष्मान मिश्रा, सर क्या आपने किसी संगीत विद्यालय से भी सीखा है? सर बिल्कुल, मेरी जो शुरुआत हुई थी वो निखिल घोष संगीत महाभारती स्कूल है यहाँ बॉम्बे में जुहू पे, वहाँ हमारे गुरु हुआ करते थे पंडित येंदे जी, तो मैंने उनका नाम ये ऑनलाइन सेशन शुरू होने से पहले लिया है कि मेरे कई गुरुओं में से पंडित येंदे जी हैं जिनसे मैंने तालीम ली है, जो संगीत महाभारती कला विद्यालय में टीचर थे। दास, तीन ताल और अदर ताल टू मिक्स करेंगे, प्ले वेरिएशन बना दीजिए गुरुजी। देदास, तीन ताल और अदर ताल, ये अदर ताल कौन सी होती है भाई, थोड़ा ज़रा ठीक से बताएंगे? अच्छा, तीन ताल और अद्धा ताल को मिक्स कर ले प्लीज़, तो वेरिएशन बना दीजिए गुरुजी। बहुत इजी है भाई, वो नॉर्मली हर कोई बजाता है। धा दिन दिन दा दा घिचक धा न दा तिन तिन आकृता आकृता धिन धिन न धा कि न चिक धा धा धिन धिन न धा कि न चिक तरकृता धिन न चिक धा न धा धिन धिन न धा धिन धिन धा धा तिन तरकृता धिन धिन धा धा धा। तो ये थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के हिसाब से वेरिएशन वाइज बना के पेश किया है। बनाना वाइटी, एक सर मुखड़ा और मोहरा में क्या डिफरेंस होता है? मुखड़ा और मोहरा में, सर मोहरा ये होता है कि आप किसी का फ़ायदा उठा के आप वो चीज़ को पूरा करते हो, उसको मोहरा बोलते हैं। जैसे किसी शख्स को मोहरा बना के आपने अपना काम निकलवा लिया, तो वैसे ही बोल होते हैं कि बोलो के एक कोई स्पेसिफिक बोल को पकड़ के उसको मोहरा बना के आपने तीन ताल शुरू की, तो वो तो मोहरा हो गया।
और मुखड़ा ऐसा हो गया कि मुखड़ा आप कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, आप मुखड़ा जो होता है तिहाई का भी होता है, बिना तिहाई का भी होता है, अब वो आपका दिल है, आपका विश है कि आप उसको कैसे शुरू करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर तीन ताल शुरू करूँगा तो एक सिंपल मुखड़े से भी शुरू करूँगा, तीन तरह का धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, ठीक है। तो ये भी मुखड़ा था। अब एक मुखड़ा ऐसा होता है तक दिन आकर तक दात्र करते हैं, देखे ना दात्र का, देखे ना दात्र का, धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन दात्र का दिन दिन दा धा। ये भी मुखड़ा था, ये तिहाई वाला था, वो बिना तिहाई का था। तो ये मुखड़ा और मोहरा में ये फर्क होता है, ठीक है। अग्निश्वर कामकर सर मैं आ गया, स्वागत है आपका अग्निश्वर जी, केसर क्लासिकल। सर आप कौन से घराने से हैं? सर बोल दिया कितनी बार बोलूं। थैंक्स गुरुजी, यू आर ऑलवेज वेलकम। छोटू मिश्रा सर दादरा ताल, सर दादरा ताल की तिहाई कैसे बनाएं? ये अभी दादरा ताल आप बजा रहे हैं तो कौन सी बजा रहे हैं, या वो डिपेंड करता है कि अगर सपोज आप ठेका बजा रहे हैं, धिक तच धिन धिक तच धिन धिक तच धिन धिक तच धिन ता ता धिन ता धिन तार तक धिन तक धिन तक धिन ता, ये तिहाई हो गई। देवाशीष दास हाय सर, हाय देवाशीष जी, तुम चटर्जी प्रणाम जी, भवानी हर हर महादेव प्रणाम जी, प्रणाम हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री राम, सलाम अलैकुम। मिश्रा म्यूजिकल तीन ताल में एक कायदा धाती धागे ना धातरे के धाती धागे तीन आगे न है, हाँ है। तो ये दिल्ली का कायदा है, तीन ताल का कायदा है दिल्ली का, धाती धागे ना धातरे के धाती धागे तीन आगे ना ताती धागे ना धातरे के धाती धागे तीन आगे न, जिसने ये कायदा साध लिया उसके लिए तबला 60% आसान हो जाता है, 60% तबला उसके लिए आसान हो जाता है, बाकी जो 40% रह जाता है वो मेहनत करने पे और सीखने पे करने में आसान हो जाता है, 40% ईजी हो जाता है। धाती धागे ना ही अगर आपने मांज लिया अच्छे से अभ्यास करके, अगर आप उसका डबल बजा रहे हैं विथ प्रॉपर पल्टास, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपने 60% तबला तैयार किया है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कायदास दाती दागेना। देवाशीष दास आप कैसे हो सर? देवाशीष मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने का। आयुष्मान मिश्रा आसान तरीका बताएं दादरा ताल की तिहाई बनाने के लिए। धा धीना धा तू ना धा धीना धा तू ना धा ता धीना धा धीना धा तू ना धेगे ना धात्रक धेगे ना धात्रक धा, हो गई तिहाई सबसे आसान। वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री धा धागे ना धात्रक धागे ना धात्रक धा, हो गई तिहाई। भास्कर वशी सर एक कंपोजिशन को एक लेवल पर कैसे बजाएं? सर हर एक कंपोजिशन को एक लेवल पर कैसे बजाएं? मेरा कुछ बोल अच्छा बजता है और कुछ में रियाज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। भास्कर वासनिक के नाम से इनका अकाउंट है और इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कंपोजिशन, हर एक कंपोजिशन का अपनी एक लय होती है और कुछ बोल बजाने में आसानी पड़ती है, कुछ बजाने में इनको दिक्कत होती है। तो ऐसा है जो बोल आपको बजाने में आसानी हो रही है तो डेफिनेटली उन बोलों पे आपका रियाज अभ्यास अच्छा हुआ है, और जो बोल अच्छे से नहीं कटते हैं वो रियाज ज़्यादा मांग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तबले में कुछ बहुत जिनको मैं कहता हूँ कि बहुत बेशरम बोल है, उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, जैसे धिरधिर है, तिट है, दिनगिन है, तिट और धिट है, और बाएं के कुछ बोल हैं धागे ना,
तो ये कुछ बोल्स ऐसे हैं तबले में जो बहुत बेशरम है और इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इनको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो बोल डराता है उसको अभ्यास करके आप डराओ तो फिर आप उस आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी। तो जब बोलों से दोस्ती हो जाएगी ना, फिर बोलों से आपको डर नहीं लगेगा, फिर आप उनके साथ खेलोगे। रविकांत ठाकुर, तबला। सर जी, तबला बजाने से सिंगिंग करने में आसानी होती है? डेफिनेटली होती है। तबला जो है वो जब आप कर लेते हैं किसी हद तक, तो गाना गाने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गवैये आज गवैये तभी बने हैं जब वो तबला बजा रहे हैं, तबला सीखे हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोग, सभी लोगों ने तबला बजा के सीखा है तब गाना पकड़ा है। और एक तबला प्लेयर से अच्छा गाना गाने वाला और कंपोज़र नहीं होता है, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ बातें हैं। बहुत से दिग्गज बड़े बड़े तबला प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल बप्पी लहरी जो पंडित शंकर प्रसाद जी के शागिर्द थे, बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे और बहुत अच्छे कंपोज़र थे, ठीक है। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, वो भी उन्होंने भी एक टाइम पे तबला बहुत अच्छा बजाया है, तबला बजा के उन्होंने संतूर बजाया है और उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्शन भी किया है। गुलाम अली खान साहब जो गज़ल गाते हैं, वो एक ज़माने में तबला ही बजाते थे, बाद में उन्होंने गज़ल्स पकड़ी। पंडित जसराज जी, वो भी तबला बजाते थे, बाद में उन्होंने गाना शुरू किया। तो जितने भी तबला प्लेयर्स जो गाना गाते हैं या तबला छोड़ के म्यूज़िक का कोई दूसरा काम करेंगे, वो सब काम में वो बहुत जीनियस होंगे, क्योंकि लय को सक्षम किए हुए लोग हैं वो, ठीक है ना। सो तबला बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक का। आप कोई भी काम करें उसमें तबला अगर आप करेंगे तो समझ जाना आपने बाजी जीत ली। डूडल, मेरे पापा भी तबला प्लेयर हैं, मेरा नमस्कार कहिएगा डूडल पिताजी को। डीएस दास, तीन ताल और आधा ताल, ये तो हो गया भाई, अभी कौन है। सर, फर्शबंदी किस तरह से डेवलप करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है पॉजिटिव सोल का, फर्शबंदी किस तरीके से डेवलप करेंगे। देखो ऐसा है पॉजिटिव सोल, हर फर्शबंदी का अपने घराने के हिसाब से अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, कुछ लोग फर्शबंदी और पेशकार में अंतर नहीं रखते हैं, जबकि अंतर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग फर्शबंदी को ही पेशकार बना के पेश करते हैं, वो गलत है। मैं अगर अभी नाम लूँगा यहाँ पे उन लोगों का तो सही नहीं होगा, लेकिन हर घराने की अपनी विशेषताएँ होती हैं। लेकिन कुछ तबला प्लेयर्स ऐसे हैं जो फर्शबंदी और पेशकार में फ़र्क नहीं रखते हैं और वो बहुत अच्छे बड़े तबला प्लेयर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। सर, आप तबले पर PhD लिए हो क्या? नहीं सर, तबले को मैंने जिस मेहनत से सीखा है ना, तो वो PhD के बराबर ही है। अब वो मैंने कैसे सीखा है, किन हालातों में सीखा है, वो डिटेल में कभी मैं पर्सनली, आप जब मिलेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। जेम्स बॉन्ड, सर आपसे तबला सीखना चाहता हूँ लेकिन कभी बजाया नहीं, क्या आप तबला भी सिखाते हैं? नहीं सर, मैं तबला नहीं सिखाता हूँ, सिर्फ तबला सामने पढ़ा रहता है और मैं उसको देखता हूँ सर। अरे सर, तबला बजाता हूँ तो तबला सिखाऊंगा भी ना। और मुझे आपके सवाल से बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मुझे अफसोस भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है सर, कि इतने सालों से मेरा YouTube चैनल है, मैं हमेशा हमारे नंबर्स शेयर करते हैं हम लोग कि भाई जिनको क्लासेस लेनी है, सीखना है तो हम इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सर धन्य हैं आप, कमाल है। आप मुझसे पूछ रहे कि मैं सिखाता हूँ, बिल्कुल सिखाता हूँ सर। आप सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अभी आप जाएं और मेरे वीडियो पे व्हाट्सएप नंबर निकालें और हमें कल कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर नहीं करूँगा। आप वाकई में जेम्स बॉन्ड हो सर, मानना पड़ेगा। विलेज क्लासिकल म्यूजिक ऑफिशियल, सर कैसे तबला पर प्रैक्टिस करें? तबले में प्रैक्टिस कैसे करें? कोई भी बोल पकड़ते हैं आप, उस बोल को
धीरे धीरे बजाएं और 50 बार 60 बार 100 बार 150 बार ऐसे धीरे धीरे रोज़ स्टेमिना बढ़ाएं और उसको 2 से 3 महीना बजाते रहें। जब एक बोल कायम हो जाएगा तो फिर दूसरा बोल लीजिए, फिर तीसरा बोल लीजिए। इस तरीके से तबले की क्रियाएं होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। अग्निश्वर काम कर, सर आपके लिए कौन सा ताल या बोल हार्ड है? सर तबला अपने आप में बहुत हार्ड है और अभ्यास करने के बाद वही हार्डपना जो है वो आसान लगता है। तो वो तबला आपका दोस्त भी है, आपको डराएगा भी, आपको प्यार भी करेगा, लेकिन जब आपकी दोस्ती उससे हो जाएगी तो फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अर्पिता मुखर्जी, हाय शादाब जी, नमस्कार अर्पिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने का, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। दोस्तों हमारे बीच बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और ये इनका बड़प्पन है, इनका प्यार है, ये हमेशा ऑनलाइन आती हैं और हमसे जुड़ती हैं, हमें दुआएं और ब्लेसिंग्स देके जाती हैं। इनका नाम है अर्पिता मुखर्जी, ये बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छी चौमुखा आर्टिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं और इनका बहुत बड़ा स्कूल है दिल्ली में जो कावेरी ललित कला महाविद्यालय के नाम से है। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, तबला प्लेयर्स हैं और जो गाना सीखना चाहते हैं, मैं इनके स्कूल से एसोसिएटेड हूं और आप लोग मेरा रेफरेंस मेरा नाम लेके इनको कांटेक्ट अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर्स में म्यूज़िक की तालीम दी जाएगी। तो जितने मेरे चाहने वाले हैं जो म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कृपा करके ये स्कूल से ज़रूर जुड़िए, कावेरी ललित महाविद्यालय, और इनको कांटेक्ट करें आप। इनका एड्रेस फ़ोन नंबर जो भी आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और इनकी जो ओनर है उनका नाम है अर्पिता मुखर्जी, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्पिता मुखर्जी फेसबुक पे भी हैं, आप उनको वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरा रेफरेंस मेरा नाम लेके अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। तो देरी किस बात की दोस्तों, फटाफट जाइए और कॉल कीजिए। बनाना वाइटी, टुकड़ा और लगी गाने में कैसे यूज होता है? टुकड़ा और लगी गाने में कैसे यूज होता है? लगी वही यूज होती है जहां बजाना जरूरी है, ठीक है, हर जगह लगी नहीं बजा सकते और टुकड़ा भी हर जगह नहीं बजा सकते। टुकड़ा जो हो है कई तरीके से लोग उसको मुखड़े के तौर पे भी बजाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि कहाँ ज़रूरी है गाने में बजाना और कहाँ नहीं है, ठीक है। जो लाइट नहीं सीखा हुआ होगा ना, जो लाइट तबला नहीं सीखा होगा, वो हर जगह लगी बजाएगा, हर जगह टुकड़ा बजाएगा, हर जगह मुखड़ा बजाएगा, हर जगह मोहरा बजाएगा और गाने वाले को डिस्टर्ब करेगा, मेन सोलोइस्ट को डिस्टर्ब करेगा जो लाइट नहीं सीखा होगा। तो कृपा करके लाइट ज़रूर सीखें। मिश्रा म्यूजिकल, 3 ताल में 1 कायदा धाती धागे ना है। अरे हो गया मिश्रा जी, ये प्रशिक राजहंस, सर आप गुरुजी बाबा साहेब मिरजकर को जानते हैं क्या? बाबा साहेब मिरजकर काफ़ी उनकी एज है, मेरे पिताजी जानते थे उनको और वो घर पे आया करते थे। अब आप कौन से बाबा साहेब मिरजकर की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं जिनको जानता हूँ वो मिरज से आते थे, पिताजी के दोस्तों में से थे और सितार वगैरह जो काम सितार वगैरह का काम काफ़ी करते थे वो। रविकांत ठाकुर तबला, धिरधर का रेला गुरु जी, धिरधर धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तेरे तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक धा। ये बोल है रेले के, कृपा करके जमा लीजिए। मिनल कांति बुराई, गुरुजी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मिनल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑनलाइन।
सर तब आपसे तबला सीखना चाहता हूँ लेकिन कभी बजाया नहीं, तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? मैं ज़रूर सिखाऊंगा आपको, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। मेरे पास जवान से लेके ज़हीफ बुज़ुर्ग बूढ़े बूढ़े लोग सीख रहे हैं और अच्छा बजा रहे हैं भाई, तो आप भी ज़रूर बजाएंगे। मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं और दुआएं होंगी आपके साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8691065786। आई रिपीट द नंबर वंस, 8691065786। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के सिलसिले में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो मिल जाएगी। मृत्युंजय स्वामी, नमस्कार गुरुजी फ्रॉम कर्नाटका। हाय मृत्युंजय, हाउ आर यू? सो नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड जॉइनिंग अस। गौतम चतुर्वेदी, थैंक्स सर जी लाइव आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गौतम चतुर्वेदी, आप भी आए लाइव, मेरे साथ जुड़े, मुझसे बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह क्या बात कही सर, थैंक यू सो मच जी। विभशी सर, सर दादरा ताल का एक बहुत आसान प्रकार बताएं। सर एक ऐसा इतना हलवा दादरा बताता हूँ जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। धा धीना धा तू ना धा धीना धा तू ना, खत्म। श्रोया महेश्वरी, हेलो हेलो महेश्वरी जी, कैसे हैं? सर आप भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं तबला, थैंक यू सो मच गौतम जी, आपको मेरा प्लेइंग अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और स्नेह का। देवशीष दास, सर दादरा ताल का एक बहुत आसान प्रकार सर बता दिया। मृणाल जी कांति, गुरु जी एक स्केल के बारे में डिटेल्स बोलेंगे प्लीज़? गुरु जी स्केल के बारे में डिटेल्स बोलेंगे। स्केल देखिए ऐसा है कि आपको अगर आप तबला बजाते हैं तो तबला अलग अलग स्केल्स में अलग अलग सुरों में बजता है। अगर आप सोलो बजा रहे हैं तो आपका चॉइस है कि आप कौन से सुर में तबला मिलाकर बजाना चाहते हैं। अगर आप किसी को अकंपनी करते हैं, किसी को सिखाते हैं, सॉरी किसी को के साथ अकंपनी कर रहे हैं, चाहे वो गाने वाला हो या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, तो आपको उनके सुर के हिसाब से, उनके स्केल के हिसाब से तबला मिलाकर बजाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये काफ़ी अलग बात है। अगर आप सोलो बजा रहे हैं तो सोलो बजाने के लिए सबसे अच्छा सुर जो है तबले का, मुझे जो लगता है, जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरे दो सुर बड़े प्रिय हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो काली दो और एक सफ़ेद तीन, ठीक है ना? तो ये दो जो सुर हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें मैं तबला सोलो बजाना पसंद करता हूँ। गौतम चतुर्वेदी, सर गुजराती तबला प्लेयर पीठ के बजाते हैं फिर लोग तारीफ करते हैं, तो क्या वैसे बजाना चाहिए? सर आपको नोटों की बारिश करनी है, ठीक है ना, तो हाथ में घुंघरू पहन लीजिए और मुंह में यहाँ साइड में पान दबा लीजिए और ज़ोर ज़ोर से तबले को पीटिए। जहाँ तमाशा होता है ना, तमाशा करने वाले होते हैं तमाशा, तो मेले वेले में कहीं भी मंडप वंडप पंडाल वंडाल लगा हुआ है वहाँ पर जाके बैठ जाइए, माइक लगा के दमादम 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 ज़ोर से बजाइए, तबले की सारी स्याही निकाल दीजिए, उसके बाद नोटों की बारिश चालू हो जाएगी। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए तबला बजाना और तबले को तमाशे की तरह पेश करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना? एक ढोल जो मेले में बजता है, धन घना धन धा घना धन धा घना धन तक घना धन धन घना धन धन घना धन धा धना धन धा तना धन धा घना धन धा, ये मेले में ढोल बज रहा है। अब मेले में जो जा रहा है लोग बोल रहे हैं, अरे यार क्या ढोल बजा रहा है यार, कमाल है यार, अरे बाप रे इसने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो सबका बाप है, अरे वाह ये तो कमाल है, अरे वाह ये तो ये, वो मेले का ढोल 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 प्लेयर है। लेकिन एक ढोल प्लेयर वो भी है जो तबले के साथ जुगलबंदी कर रहा है, अमेरिका में लंदन में बजा रहा है, समझ रहे हो, चाइना में बजा रहा है, सिंगापुर में बजा रहा है, सोलो कॉन्सर्ट्स कर रहा है और उसमें झपताल भी बजा रहा है, उसमें रूपक भी बजा रहा है, उसमें रेला भी बजा रहा है, उसमें तोड़े टुकड़े भी बजा रहा है, तो वो सक्षम ढोल प्लेयर है। तो सक्षम कोई भी होगा ना तो वो तमाशे से थोड़ा दूर रहेगा, ऐसा है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
जो तबले को पीट पीट के जोर जोर से बजाते हैं वो तबला प्लेयर नहीं है। नहीं नहीं, वो भी तबला प्लेयर है, लेकिन वो पीटने वाले तबला प्लेयर है। कुछ तबला प्लेयर प्यार करने वाले होते हैं, ये तबले को प्यार करने वाले तबला प्लेयर अलग होते हैं, तबले को पीटने वाले तबला प्लेयर अलग होते हैं। तो तबला प्लेयर तो वो भी है, ठीक है ना, तो इस बात का ख्याल रखिए आप। सर आप मेरे क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े। सर आप ठीक से बता तो दीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। सर तबले पर पेशकार फास्ट बजाते हैं या लास्ट में? अच्छा, फर्स्ट बजाते हैं या लास्ट में? सर पेशकार तो पहले बजेगा ना, आप मेहमान आएंगे तो मेहमान को घुसते सीधा घर से बाहर थोड़ी निकाल देंगे, अच्छा आप आ गए थैंक यू वेरी मच आने का वापस जाइए, ऐसे तो नहीं करेंगे ना आप। आप मेहमान आएंगे तो पहले बिठाएंगे उनको, कैसे हैं ठीक है ना, उनका ज़रा थोड़ा सा हालचाल पूछेंगे, फिर उनको पानी पेश करेंगे, फिर चाय पेश करेंगे, फिर थोड़ा सा चकना उनको चकाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे। तो उसी तरीके से तबला सोलो वादन एक क्रिया है। जब तबला सोलो वादन करने बैठेंगे तो पहले फर्शबंदी बजेगी, पहले आप लोगों का स्वागत करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, फिर फर्शबंदी बजेगी, फिर पेशकार बजेगा। पेशकार यानी पेश करना, किसी के सामने कोई चीज़ पेश करना और सामने वाला कबूल करना, इस तरीके से। विलेज क्लासिकल म्यूजिक, सर मतलब किस तबला प्लेयर पर प्रैक्टिस करे, लगाया हुआ कल नहीं लगा हुआ? सर समझ में नहीं आया, बहुत भारी हिंदी है आपकी, सर बहुत भारी हिंदी है आपकी। इज़राइली संबोली, वेयर आर यू, व्हाई आर यू सो बोरिंग? वेल इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, द वे यू आर थिंकिंग and the way you are interacting. There are a lot of people who really loves me and talk, they love talking to me. I think you are really frustrated and you are in depression, you really need help. I don't know who are you and from where all of a sudden you have come, but still thank you. You have joined us online, our online session, but it's okay. God bless you with good health. I really pray for you. Anyway, thanks for coming. Gautam Chaturvedi. Sure, sir, I will contact her. That's great. Arpita ji, Gautam Chaturvedi ji hain, ye aapko contact karenge. To inke bare mein, inko kya help chahiye, aap please dekhiyega zara. James Bond ye keh rahe hain ki mujhe tabla seekhna hai, lekin kabhi tabla बजाया नहीं, क्या इसके बावजूद आप भी मुझे सिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने मेरी बात को आप समझे ही नहीं। आप तबला ज़िंदगी में, तबले को आपने ऐसा देखा भी नहीं होगा, तबला आपके नज़र आँखों के सामने आया भी नहीं होगा ना, तो भी मैं तबला आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन आपका दिल होना चाहिए सीखने का। अगर मैं जो सिखाऊँगा, जो बताऊँगा, अगर आप वो करेंगे तभी तो आप तबला बजा पाएंगे ना सर। मेरी भी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका इतना दिल है सीखने का मुझसे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कल मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, 11 बजे ऑफिस खुलता है, ठीक है। मृणाल कांति, गुरुजी प्लीज स्केल के बारे में डिटेल्स देंगे। अरे दे चुका हूँ यार, बहुत से लोगों का सवाल है बेटा, मुझे काफ़ी लोगों के सवाल का जवाब देना है। आप लोगों को अपना जवाब सुनना है तो प्लीज़ थोड़ा रिवाइंड करके सुनिएगा बाद में। मैं स्केल के बारे में रिप्लाई कर चुका हूँ मिनल। गौतम चतुर्वेदी, कावेरी ललित महाविद्यालय, या दैट्स राइट, कावेरी ललित महाविद्यालय। देवशीष दास, सर तबले पर पेशकार को फर्स्ट बजाए या लास्ट में? ये तो हो गया भाई, अब कौन सा सवाल है? सर अपना स्टैमिना कैसे बढ़ाएं? अभ्यास करके, रियाज करके, और सही अभ्यास, सही रियाज, सही गुरु से तालीम लेकर।
सर तबले पर पेशकार को फर्स्ट बजाएं, अरे बोल दिया भाई कितनी बार बोलूं, मेरा तो रीड करो। सर आपका रीड कर चुका हूं मैं, आपका आंसर भी दे चुका हूं सर। सर तबले 3 मंथ्स से सीखना स्टार्ट किया है तो क्या धीरे-धीर भी साथ में अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए क्लासिक के टाइम पे ही? नहीं, आपके गुरु ने आपकी टीचर ने जो बोल आपको दिया है आपको वही रियाज करना है। आप YouTube पे जाके एक्साइट होकर आप दूसरे तब बोलों पे रियाज कर रहे हो तो वो सही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जो YouTube से सीख रहे हैं वो सही बोल सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, किन से सीख रहे हैं, वो जिससे सीख रहे हैं क्या वो शख्स खुद सीखा हुआ है, क्या वो खुद सक्षम है या नहीं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो YouTube पे आप किसका वीडियो देख रहे हैं, आप कौन सा बोल सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, उसका क्या नाम है, उसकी लाइफ के बारे में आपको कुछ मालूम है, उन्होंने कहाँ से तालीम ली, वो कितना सीखे हुए हैं, उनको कितनी ताले पता है, उनको सोलो की क्रियाएं कितनी पता है, उनको कितने घराने पता हैं, कौन से घराने में कौन सा बोल बजता है उनको वो भी मालूम है कि नहीं, उनको लाइट तबला कैसे बजता है, क्लासिकल कैसा बजता है, मुजरा कैसा बजता है, कवाली कैसा बजता है, फिल्मी आइटम सॉन्ग कैसा बजता है, गज़ल्स कैसे बजती है, कवाली कैसे बजती है, क्या उनको ये सब पता है या नहीं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। खाली यूट्यूब खोल के तबले के बोल को याद करना, रट्टा मारना तोते की तरह और तबला बजाना तबला नहीं होता मेरे प्यारो मेरे लालो, ज़रा समझो इस बात को। गुरु की पहचान करना सीखो, सही गुरुओं से सीखो। YouTube में बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है ना। तो बेफिजूल किसी के बहकावे में मत आइए, किसी ने कोई चमत्कारी बोल बता दिया तो वो बोल रट्टा मार लिया तोते की तरह, पता चला 35-25 साल हाथ ही अटक गया, हाथ जाम हो गया। वो इसलिए जाम हो गया क्योंकि जिसका आपने सुना उसका खुद का हाथ जाम है और ये सदियों से चला आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, इस चीज का जरा ध्यान रखें आप। अग्निश्वर कामकर सर, एक सर कोई कमेंट को बार बार स्पैम कर रहा है, प्लीज लुक एट इट। हाँ मेरा ध्यान जा रहा है उस पर, ठीक है ना, और जो स्पैम कर रहा है तो वो शायद अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाह रहे होंगे, अंदर से जो आती है ना भावनाएं, अंदर से समझ गए ना, तो वो प्रकट करना चाह रहे होंगे बट किसी कारण वो यहाँ प्रकट हो नहीं पा रही है, और वो क्यों नहीं हो पा रही है वो भी मुझे पता है, क्योंकि उसकी चाबी मेरे हाथ में है। सर तबले सर तबला पेशकार फर्स्ट बजाएं या लास्ट में? पहले बजाएं। आर के राज म्यूजिक पॉइंट का बड़ा अच्छा सवाल है, रियाज के लिए कैसा तबला लें सर? सर रियाज के लिए वही तबला लीजिए जो आपके हाथों में पूरा तबला आता हो, आपका ग्रिप जो है तबले पे अच्छा बैठना चाहिए। कभी कभी क्या होता है मुंह छोटा होने से उंगलियां बड़ी होने से तबले पे हाथ फेंकता है तबला, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या आपका हाथ बराबर तबले पे बैठ रहा है, उसी तबले पे अभ्यास कीजिए रियाज कीजिए, ठीक है। वेरी नाइस आंसर ऑफ माई क्वेश्चन अबाउट गुरुजी तबला, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज वेलकम गौतम आयुष्मान मिश्रा। सर लाइट म्यूजिक के लिए किस स्केल का तबला लें? उसी स्केल का तबला लें जिस आर्टिस्ट के साथ आप बजा रहे हैं, उनका क्या सुर है, उनका क्या स्केल है, उनके मिजाज से आपको बजाना है, उनके सुर के हिसाब से आपको बजाना है, ठीक है। जो मेन आर्टिस्ट है उनको पूछ लीजिए भाई आपका सुर क्या है, वो बोलेंगे मेरा सुर काली दो है, सफ़ेद तीन है, या सफ़ेद दो है, या काली एक है, या सफ़ेद एक है, तो आपको तबले उसी हिसाब से ले जाने पड़ेंगे। तुषार बंसल नमस्ते, स्वागत है तुषार आपका, नमस्ते। अक्लांता ज्योति बरवा, गुरुजी ने मेरा क्वेश्चन ठीक से आंसर नहीं दिया। अरे ले ले, क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है भाई पूछो। गुरुजी अरे लोई 1.5 आम ऐसले कर कोई सकता हूँ? सर अकलंता मैं आपका भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जो लिख रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा,
जय सिया राम जी, जय सिया राम जी के नाम से अकाउंट है इनका। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? घर में सब कुशल मंगल हैं आपके? खाना वाना हो गया? उस्ताद जी को प्रणाम। जय श्री राम उस्ताद जी, जय श्री राम। कैसे हैं सर? थैंक यू। आड़ू के नाम से इनका अकाउंट है। स्वागत है आपका सर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सर फास्ट थाप उठान पर वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाऊंगा सर। पॉजिटिव सोल सर, कमाल और फरमाइशी चक्रधार के बारे में बताएं प्लीज। कमाली, अच्छा हुआ रुमाली नहीं बताया सर, रुमाली तो रोटी होती है सर। कमाली की जगह एक रुमाली भी होता है, क्या आपको पता है इस बारे में? रुमाली, एक रुमाली फरमाइशी भी होती है, एक बेदम फरमाइशी होती है, एक चक्रधार फरमाइशी होती है। बेदम फरमाइशी वो होती है जिसमें बिना दम दिए आपको जो चीज़ बजा रहे हो वो तीन बार सम से सम तक रिपीट होती तो उसको बेदम बोलते हैं, ठीक है। अब चाहे वो गद बजाओ आप, परण बजाओ या तिहाई बजाओ, और वैसे ही चक्रधार होती है, ठीक है ना। बाकी डिटेलिंग्स अगर आप जानना चाहें तो कृपा करके हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आड़ू, गुरुजी मैं ढोलक बजाता हूँ, क्या मैं क्लासिकल सीख सकता हूँ ढोलक पर भी? बिल्कुल सीख सकते हैं सर, बिल्कुल सीख सकते हैं क्लासिकल, क्यों नहीं सीख सकते। राज पॉइंट, धागे नाता तेरे किट धेटे, धागे तेरे किट ते नागिन, किस घराने का कायदा है सर? सर ऐसा है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, कई लोगों ने कई चीज़ें बना के अलग अलग घरानों का नाम दिया है, ठीक है। तो अभी मैं अगर बोलूँगा कि ये घर, ये कायदा पैदा किधर हुआ था, क्या आपको पता है? ये जो आप बोल बता रहे हो ये पैदा किधर हुआ था? मुझे तो पता है ये कौन से घराने का है, लेकिन इसको पैदा किसने किया था ये बताइए आप, उसका नाम मुझे बताइए, तो फिर मैं घराना बताऊँगा आपको। और अगर आप चाहते हैं ये बात सीक्रेट रहे तो आप मुझे फ़ोन पे बता देना या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना, ठीक है सर। ये आपके और मेरे बीच में रहेगी बात। विलेज क्लासिकल म्यूजिक ऑफिशियल, सर तबला की सबसे फास्ट लगी बताएं। धक 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 धक। ये सबसे फास्ट लगी है सर, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, आप ये लय पे जरूर बजाएंगे सर, बजाइए। मीट आनंद, सर तबले में क्लैरिटी एंड वेट कैसे लाएं? धीरे बजाकर, कोई भी बोल आप बजाएं, धीरे लय पे बजाएं, उसकी निकास सही बज रही कि नहीं वो देखिए। पहले 100 बार बजाइए, 150 बार बजाइए, फिर 200 बार बजाइए, ऐसे धीरे धीरे रोज स्टेमिना बढ़ाएं, 2 से 3 महीने में आपका तबला सुधरने लगेगा। शुभदीप गोस्वामी, प्रणाम दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे लाइव में आ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया शुभदीप, थैंक यू सो मच ऑनलाइन आने का, हमारे साथ जुड़ने का। बनीत सिंह, हेलो सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बनीत जी, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने का, थैंक यू। हार्दिक स्वामी, प्रणाम गुरु जी, हार्दिक प्रणाम। मैं रमाकांत राज, मुंगेर बिहार से हूँ सर जी। स्वागत है सर रमाकांत जी आपका। अकलंता आयुन, आदि लय ऐसे कैसे कर सकते हूँ? आड़ी लय कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, आड़ी लय कैसे कर सकता हूँ? सर पहले ये देखिए कि आप सीधी लय बजा पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये आप कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने अंदर कि क्या मैं सीधी लय बजा सकता हूँ। अगर आप सीधी लय बजा सकते हैं तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप आड़ी लय कैसे बजाएंगे। और सीधी लय बजाने आप बजा रहे हैं तो क्या आप बराबर बजा रहे हैं? उसका एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा कि आप आड़ी लय आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, ठीक है सर। विलेज क्लासिकल म्यूजिक, सर एक ट्रिपल ली बताओ मुझे बोल के प्लीज़। त्रिपल्ली, त्रिपल्ली कई कई घरानों की है, कई तरीकों से बची है। धात्रे कथे के टकाता गधे के ना, दाधारे कथे के टकाता गधे के ना, दाधारे के टकाता गधे के ना, धात्रे कथे के टकाता गधे के ना, दाधारे कथे के टकाता गधे के ना, दाधारे कथे के टकाता गधे के ना, धात्रे कथे के टकाता गधे के ना, दाधारे कथे के टकाता गधे के ना, दाधारे कथे के टकाता गधे के ना, दिन दिन दादा दिन दिन दा। ये रही आपकी त्रिपल्ली सर। गौतम चतुर्वेदी,
सर इट इज़ अ वेरी नाइस सेशन, थैंक्स अगेन फॉर कमिंग लाइव एंड गिविंग वेरी डिटेल्ड आंसर, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर एंड थैंक्स सो मच टू यू टू फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस सेशन. विलेज क्लासिकल म्यूजिक, मुझे एक त्रिपल्ली और याद आई है, ये पंडित बिरजू महाराज जी की है. एदोरी चपाच, एदोती चपाच, एदो तीन चपाच, एदोरी चार पाँच, एदोरी चपाच, एदोती चपाच, एदो तीन चपाच, एदोरी चार पाँच, एदोरी चपाच, एदोती चपाच, एदो तीन चपाच, एदोती चार पाँच, नाना दिन दिन ना तिन तिन दा चक दिन दिन दा धा. ये पंडित बिरजू महाराज जी की थी. शुभम भोई आड़ू, गुरु जी मास्टर सलीम जी का तबला वादक लाइव शो में जो फास्ट कैरवा प्ले करता है प्लीज़ उस पर ट्यूटोरियल दीजिए. सर उस पर मैं ट्यूटोरियल मेरा काफ़ी वायरल एक हुआ हुआ है, कवाली कैरवा कैसे बजाया जाता है जो फ़कीराना अंदाज में बजता है, ठीक है, तो उसका ट्यूटोरियल मैंने मेरे चैनल पे दिया है, कृपा करके मेरे चैनल पे देखिए, जाके आपको काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे. शुभम भोई सर गमक के बारे में कुछ बताओ. दिन 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 दिन्ना दिन्ना दिन दिन्ना तिन्ना दिन दिन्ना दिन्ना दिन दिन्ना तिन्ना, ये बोल को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. दिन दिन्ना दिन्ना दिन दिन्ना तिन्ना, अभी जैसे मैं गले से जो गमक ले रहा हूँ वही गमक हाथों से निकलनी चाहिए. अब वो निकलेगी कैसे, तो वो तो ऐसा है बेटा, वो तो आपको सही गुरु अगर होगा तो ही बता पाएगा. तो इस बारे में अगर आपको, अगर हमसे क्लासेस लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये गमक वाली जो चीज़ें हैं ये आप सीख सकते हैं, ठीक है. ऊपर वाला आपको राजी रखे, तालीम बात बांट रहे हो, अच्छा लग रहा है सबको, रूह से बात बांट रहे हैं, दिल से दुआ, खुश रहो आप हमेशा. थैंक यू सो मच पंकज पृथ्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का. इसी तरह प्यार बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करते रहें. सर ये जो तालीम मैं दे रहा हूँ ये सब मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है. मेरी कोशिश रहती है कि जो भी संगीत में जो भी लोगों को जो कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पे जो तबले से जुड़े हुए लोग हैं, अगर मैं उनके किसी काम आ सकूं, मेरे गुरुओं की जो तालीम है वो आप तक पहुंचाने का ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और ये ईश्वर ने चाहा, मालिक ने चाहा, खुदा ने चाहा तो ये ज़िंदगी भर रहेगा. आदित्य विश्वकर्मा, सर जी आपने तबले में कौन सी डिग्री ली है. सर मैंने तबले में बहुत बड़ी डिग्री ली है, उस डिग्री का नाम है आशीर्वाद गुरुओं का. तो गुरुओं का आशीर्वाद लिया है और उसी वजह से सर मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ, तो इससे बढ़िया डिग्री और कोई हो ही नहीं सकती. और बाकी हाँ ये है कि बड़ी बड़ी डिग्री वाले मेरे से सीख रहे हैं सर, तो ये भी गुरु का आशीर्वाद है. जो PhD कर रहे हैं, जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, जो संगीत विशारद है वो भी मुझसे तबला सीख रहे हैं सर, तो ये भी गुरुओं का आशीर्वाद है. तो आप सोचिए मेरे को कितनी बड़ी डिग्री दी है गुरुओं ने, मेरे गुरुओं ने मुझे कितनी बड़ी डिग्री दी है. तो बस यही कहूँगा सर, इसके आगे और क्या कह सकता हूँ. ऋतुज मात्रे, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. काय ऋतुज भाव, कुठे आहे तुम्ही, अरे कधीपासून तुमचा वेट करतोय मी. फाइनली तुम्ही लवकर आले आहेत, हा त्या दिवशी तुम्ही लेट झाले होते ना सॅटरडेला. हार्दिक सोने, सर मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, 2 महीने से तबला नहीं बजा पा रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन, कहीं मैं भूल ना जाऊँ. सर जब मोहब्बत होती ना तो मोहब्बत भुलाने वाली नहीं होती है, मोहब्बत जब अच्छी होती ना, मोहब्बत सच्ची होती तो भूल नहीं सकते आप.
तो पहले ये पता कीजिए कि क्या आपको आपके काम से मोहब्बत है क्या। अगर आपको आपके काम से मोहब्बत है तो आप वो चीज़ भूल ही नहीं सकते। पॉजिटिव सोल, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स सर, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस इज एंथुसियास्टिक, यू हैव सच प्रीशियस लाइव्स ऑन योर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन वंस अगेन, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू टू विद गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। बनीत सिंह, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सोनक मंडल, सर प्रणाम। प्रणाम सोनक, आपको अगले हफ्ते एक लकी का ट्यूटोरियल ले आने की रिक्वेस्ट किया था और भेजा भी था एक वीडियो, प्लीज़ ले आइए ट्यूटोरियल, ज़रूर लेकर आऊँगा लकी का। हाउ आर यू सर जी, बनीत जी पूछ रहे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ बनीत जी, आप कैसे हैं। विलेज क्लासिकल, सर तबला चांटी पर दो उंगली से कैसे बजाएं जैसे आप बजाते हैं। दो उंगली से बहुत इजी है सर, धातिटे धातिटे धाधातिटे तातिटे तातिटे धाधातिटे, सो धातिटे धातिटे धाधातिटे धागे थी नागे ना, तातिटे तातिटे धाधातिटे धागे थी नागे ना, धातिटे तेटे तेटे धातिटे धागे थी नागे ना, तातिटे तेटे तेटे धातिटे धागे थी नागे ना, तेटे तेटे धेटे धेटे धातिटे धागे थी नागे ना, तेटे 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 धातिटे धागे थी नागे ना। तो इस तरीके से जो उंगली है, उंगली जितना कोशिश करेंगे तिरिकिट और तिट्टे, अगर आप दो उंगली से बजाएंगे तो तबला आपके लिए आसान हो जाएगा। स्पीड पे जब आप कोई बोल को बजाएंगे तो वो काफ़ी आसानी से अच्छे से बजेगा। सर जी आपका तबला मरीज इश्क में सुना, बहुत अद्भुत लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हार्दिक जी। गणेश बोर्डे, आदमी शादाब भाई प्रणाम। प्रणाम गणेश भाई, स्वागत है आपका, और सभी आपसे जुड़े चाहने वालों आशिकों को मेरी तरफ से प्रणाम। खुशनसीबी हैं जिनको मिली है सौगात ज़िंदगी में संगीत से जुड़ने की, भाई आपकी खासियत। गणेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे बोल का। दोस्तों ये गणेश बोर्डे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बाद में पहले मेरे भाई हैं, और मुझे इतना प्यार करते हैं। इन्होंने अब तक एक भी कॉन्सर्ट मिस नहीं किया है मेरा, जब भी मैं पुणे गया हूँ मेरे हर कॉन्सर्ट में पिछले 25 साल में, 25 से 30 साल में इन्होंने मेरे ख्याल से 250-300 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स देखे होंगे। तो बहुत प्यारे इंसान हैं, और जब जब मैं मिलता हूँ इनसे दिल से दुआएं निकलती हैं कि खुदा इनको और इनके परिवार को, सबको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और ये मेरे भाई हैं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। और ये बहुत बहुत ऊंची चोटी कलाकार हैं, ये बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, चित्रकार हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, और बहुत उम्दा म्यूज़िक लवर हैं। तो दोस्तों इनका स्वागत कीजिए, गणेश भाई का। गणेश भाई शुक्रिया आने का, लव यू ऑलवेज, थैंक यू। पंकज प्रूथी, अच्छी और सच्ची तासीर हो आप, मालिक आपको बनाए रखे, दिल से नमन। थैंक यू पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम भोवी, सर डग्गे में करेक्ट हैंड पोजीशन बताओ, और जल्दी धागे में हाथ झटक जाता है, और जल्दी धागे में, धागे में देखो ऐसा है, मैंने बाएं की टेक्निक्स, बाएं को डेवलप करने के लिए कुछ बोल मैंने ट्यूटोरियल बना के डाले हैं, कृपा करके मेरे वो वीडियो को ज़रूर देखिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाएं को किस तरीके से तैयार करते हैं, धागे ना धागे ना धाती 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 धागे ना, ऐसे इस तरीके से कुछ बोल्स मैंने ट्यूटोरियल बना के डाला है, मेरे चैनल पर गो थ्रू कीजिए और प्लीज़ वीडियो देखिए, उस पर आपको काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिलेगा, और मज़ा आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। सोनक मॉडल, सर बनारस घराने पे सब उंगली का उपयोग होता है ना तिरिकिट पे। बिल्कुल होता है, बनारस घराना अलग घराना है, फरखाबाद अलग है, दिल्ली अलग है, लेकिन इन सब का जो पिता है, पिताजी है,
जहाँ तबला पैदा हुआ वो है दिल्ली। दीपक बंका, किस टेम्पो पे रियाज करें सर? उसी टेम्पो पे रियाज करें जिस टेम्पो में आपके जो हाथों से बोल कट रहे हैं वो साफ सुनाई दें, आपको और आपके सामने जो सामने वाला बैठा है उसको भी। दीपक बंका, विलेज क्लासिकल म्यूजिक ऑफिशियल, सर तबले में संस्कार कैसे लगाएं जैसे आप संस्कार हैं? संस्कार सर, संस्कार तो घर से मिलते हैं, गुरु से मिलता है। संस्कार जो है सर वो घर से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। तो मैं आपका सवाल ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ सर। भवनीत सिंह, सर आप जब भी देखते हो वो गेम याद आ जाता है, होगा तुमसे प्यारा कौन? क्या बात है, देख चित्तू नाक झंडू धांग चित्तू ताक धंडू धांग चित्तू ताक धंडू धांग चित्तू ताक धंडू, होगा तुमसे प्यारा कौन, तुमको है कांची हाँ, टणनंग ततनंग 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 धन्ना थिंग चित्तू टोक धंडू धांग चित्तू ताक धंडू धांग चित्तू ताक। ये काफ़ी मेरा वायरल हुआ था वीडियो, आपको याद है, मुझे खुशी हुई जान के, थैंक यू। प्यार बांटते चलिए। मीट आनंद, सर आप कैसे लहरे पे प्रैक्टिस करते हो? सर आप कैसे लहरे पे प्रैक्टिस करते हो? सर जैसे आप सभी करते हो वैसे मैं भी करता हूँ सर। कभी कभी यार दोस्त आ जाते हैं तो घंटों घंटों बैठ जाते हैं हारमोनियम पे, कभी कभी मोबाइल एप्लीकेशंस पे डाउनलोड करके बैठ जाते हैं ऐसा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लहरा खुद दिमाग में चल रहा होता है, हमको किसी की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही दिमाग में लहरा चल रहा है और बजाते हैं। तो ये भी एक अभ्यास है, ये भी होना चाहिए। कल को अगर लहरे वाला कहीं गलत बजा रहा है तो आप उसको रोक भी सकते हो, ये आपने लय यहाँ काटी है, तो आपको इतना परफेक्ट होना चाहिए। तो ये करने से ही होगा सर, ये क्रिया कर करके होती है। हमारा जो म्यूज़िक है ये करत विद्या है, जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा। और ये किसी की पिताजी की जागीर नहीं है, कोई सोचेगा अरे इतने बड़े उस्ताद का बेटा है, इतने बड़े पंडित महाराज का बेटा है तो यार ये तो तबला, ये तो म्यूज़िक करेगा ही नहीं, ये सब बकवास बात है, ये सब फालतू बात है। उसने कितनी सच्चाई से मेहनत की है, कितनी सच्चाई से अपने गुरुओं से तालीम ली है, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है, इम्पॉर्टेंट बात है। उसके खून में म्यूज़िक है, उसके ब्लड में म्यूज़िक है, उसके पिताजी बहुत बड़े थे, उसके दादाजी बहुत बड़े थे, ये सब फालतू बात है, इन बातों पर ध्यान नहीं देने का। संगीत उसी का होता है जो संगीत को करता है, ठीक है ना। और इसमें अगर आप किसी के प्रति दिल में जेलेसी लेकर आओगे तो आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करोगे। किसी का संगीत चुरा कर अपना बनाकर बताओगे तब भी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, समझ रहे हो। तो माँ सरस्वती उसी को आगे बढ़ाती है जो दिल से सच्चा होता है, अपने उस्तादों के प्रति, अपनी तालीम के प्रति, अपने घराने के प्रति, समझ रहे हो। समझदार को इशारा काफ़ी है, जो मेरे वीडियो देख रहा है वो भी समझ जाए, जो छुप छुप के देख रहा है वो भी समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किसके बारे में कह रहा हूँ और किन को लेके कह रहा हूँ। विलेज क्लासिकल म्यूजिक, सर तुम्ही कसे आहात? मी खूप बरं आहे, तुम्ही कुठून बात करतात? तुम्ही महाराष्ट्रातून आहे का? जय श्रीराम, जय श्रीराम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सर यू आर बेस्ट रिदमिस्ट, सूरज तिवारी ढोलक प्लेयर, थैंक यू सो मच सर, आपके प्यार का, आपके स्नेह का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरा काम पसंद आता है। प्रार्थनाओं में याद करें, चैनल को सपोर्ट करें। मीट आनंद, सर फरुखाबाद और लखनऊ घराने के बारे में थोड़ा बताएं। सर फरुखाबाद में कुछ जो बोल बजते हैं और लखनऊ में जो कुछ बोल बजते हैं, ज़्यादातर
दिन अगिन में जो है डिफरेंसेस हुई हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली मैं बता नहीं सकता क्योंकि तबला यहाँ है नहीं, लेकिन इस बारे में मैं ट्यूटोरियल ज़रूर बना के डालूंगा। सूरज तिवारी ढोलक प्लेयर ऑफिशियल्स, आई एम योर बिग फैन। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तिवारी जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने का। आपके प्यार और स्नेह का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। आदित्य विश्वकर्मा, होगा तुमसे प्यारा कौन। जीएफ, जब हमसे गुस्सा होती है तो हम यही सुना देते हैं। जीएफ का नाम कांचा है, कंचना है। अच्छा, आई लव यू इस गाने पर ट्यूटोरियल बना के लिए। बहुत बहुत सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच सूरज जी। सोनक मॉडल सर, ब्रास और कॉपर में से कौन सा डग्गा अच्छा होगा। सब डग्गा अच्छा है सर, सब दिमाग की खोपड़ी की बात है सर। ये दिमाग से ना ये सब गलत फहमी निकाल के रख छोड़ दो, फेंक दो उठा के, कि यार ये तबला लेने से ये होगा, वो तबला लेने से वो होगा। नहीं, हाँ, तबले की पूरी अच्छी बननी चाहिए, तबले की जो स्किन है वो अच्छी बोलनी चाहिए, तो वो हर कोई अच्छा नहीं बनाता। बाकी तबला आप कोई भी बजाओ, तबला दिल से बजना चाहिए और हाथों से बजना चाहिए, बस मैं यही मानता हूँ। इसका तबला 3.5 किलो का है, इसका 6 किलो का शीशम का तबला है, सब नौटंकी है, सब फालतू बात है। महंगे महंगे तबले लेने के बावजूद, शीशम का तबला लेने के बावजूद, 3.5-4 किलो का बाया लेने के बावजूद लोगों से बचता नहीं है तबला, तो क्या फ़ायदा पैसा बर्बाद करने में। अरे वो पैसा किसी गरीब को खिलाओ यार, उसके पेट में अन्न जाएगा तो दुआ तो देगा। विलेज क्लासिकल म्यूज़िक, महाराष्ट्र से हूँ सर, आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ सर। सर ये आप ही लोगों का प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट का ये रिज़ल्ट है कि आप लोगों के सामने मैं आता हूँ और मेरे चैनल को इतना प्यार मिल रहा है। ये सब आप लोगों का योगदान है इसमें, और मेरे अपने मेरे महाराष्ट्र के जो भाई हैं उन सबको तहे दिल से मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम है कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे स्टाइल को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, समझा, इतना दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बस इसी तरह प्यार करते रहें सर, सपोर्ट करते रहें। सर आपने कौन से घराने से सीखा था स्टार्टिंग में। मीट आनंद, सर आपने कौन से घराने से सीखा था स्टार्टिंग में। सर मैंने तबला सबसे पहले शुरू किया था इंसान वाला घराना, इंसानियत वाला घराना। तो एक गुरु को दूसरे शागिर्द के ऊपर दया आई और उन्होंने तालीम देना शुरू किया, तो वहाँ इंसानियत पहले जाई, घराना बाद में आया। बाकी हर तबला प्लेयर जिस घराने से शुरू करता है, घराना तो दिल्ली ही रहता है क्योंकि दिल्ली जो है वो सबका पिताजी है, सब घरानों का पिताजी है, तबला वहाँ पैदा हुआ, ठीक है। बाद में वहाँ से सब बुजुर्गों ने जाके अलग अलग प्रांतों में बसे, वहाँ उन्होंने अपने अपने घराने स्थापित किए, लेकिन वो सब दिल्ली से ही गए, दिल्ली से ही तबला फैला, दिल्ली में ही तबला पैदा हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप ये बोलेंगे कि आप शुरू में सबसे पहले कौन सा घराने का तबला सीखे आपने शुरुआत की, तो यार बच्चा बच्चा से लेके बड़े से बड़ा जिसने भी तबला शुरू किया है वो दिल्ली से ही शुरू किया, ठीक है। गौरवदीप, क्लासिकल म्यूजिशियन, हेलो गौरवदीप, हाउ आर यू, थैंक्स फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड जॉइनिंग अस। सर कभी हिमाचल प्रदेश तो आओ। अरे बनीत जी, ये 3री-4थी बार मैं आपसे कह रहा हूँ और आप भी मुझे यही बात कई बार कह चुके हो। मैं क्या पाजी तुसी बुलाओ तो सही, तुसी सानू याद तो करो, हाजिर हो जाऊँगा मैं, कुछ संजोग बनाओ ज़रा प्रोग्राम का, वर्कशॉप का, तो ज़रूर आऊँगा मैं। फिर दोनों भाई साथ में बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा हिमाचल प्रदेश घुमाइएगा आप, ठीक है ना। जॉन मसी, सर सच में गुरुजी आपको खुदावंद ने नेक्स्ट लेवल की समझ दी है। शुक्रिया जॉन। हाँ बिल्कुल, खुदा का शुक्र है कि मुझे अच्छे गुरुओं से आशीर्वाद मिला, सबक मिला, ताकि आज जो मैं हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, तो इसमें मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है।
क्या होता है ना दोस्तों, आपको अच्छी संस्कार अच्छे सोच मिलती है, माँ बाप अच्छी तालीम देते हैं, अच्छे गुरुओं के बीच में आप उठते बैठते हैं, अच्छी तालीम मिलती है, तो आपका जो आप जो निखर कर जब आप आते हैं तो आपकी सूझबूझ बहुत खूबसूरत हो जाती है, समझ रहे हैं। और मैं यहाँ जो भी बातें आप लोगों से करता हूँ ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मुझे पता नहीं कौन कब क्या पूछेगा, हाँ बस ये है कि जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ, ठीक है, और जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो तालीम मैं आप तक लाता हूँ, मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है। हाँ, मेरा खुद का अपना थोड़ा बहुत मैंने स्टाइल चेंज करने की कोशिश की है ताकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करूँ, क्योंकि ये मुझे बचपन से था कि मेरा तबला थोड़ा अलग साउंड करना चाहिए, अगर मैं सबकी तरह बजाने लगा तो मैं सबकी तरह कॉमन हो जाऊंगा, मुझे कॉमन नहीं होना था, मुझे थोड़ा सा हटके होना था, तो मेरी कोशिश ये रही है थोड़ा स्टाइल मैंने चेंज किया है। बाकी वो स्टाइल चेंज करने में भी मेरे गुरुओं का हाथ है, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं रहता तो मैं स्टाइल चेंज नहीं कर पाता, तो इसमें भी उन्हीं का श्रेय क्रेडिट जाता है, ठीक है। हाय सर, हाय 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 हाय, कितने सारे हाय स्काई। नीलंस, इस ट्रक गेट्स मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग एट हायर स्पीड। ट्रक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ट्रक हैज नेवर बीन प्लेड एट अ फास्ट लेवल। किसी से भी ट्रक, प्योर ट्रक फास्ट की लय पे अच्छे से बड़े, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा तुर्रम खां से ट्रक नहीं बजा है, ट्रक नीचे ही बजता है। अगर आप चौगुन पंचगुन छठी लय की बात करेंगे तो वहां ट्रक नहीं बजता है और ना बजेगा, वो इंसानी मशीन, इंसान नहीं बजा पाएगा, मशीन बजाएगी, बटन दबाए तो ट्रक बजेगा, बिल्कुल बजेगा। मशीन वाला तबला होता ना, टन डिन डिन टन टन डिन डिन टन टन टिन टिन टन, वो जरूर बजाएगा सर। क्लासिकल म्यूजिक सर, आप स्टेज पर बिंदास्त बजाते हैं। सर मुझे स्टेज पर डर लगता है सर, थोड़ा सा मोटिवेशन करें सर, स्टेज परफॉर्मेंस में। महाराष्ट्र से हूँ सर, अमरावती। सबसे पहले जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। अब ऐसा है, रही बात डर की, तो क्या होता है ना, जब आपका अभ्यास अच्छा होता है ना, जब रियाज अच्छा होता है और आप अपने गुरु के प्रति सच्चे रहते हैं, आप अभ्यास के प्रति सच्चे रहते हैं, आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो आप अच्छा कर सकते हैं, ये तो हो गया विश्वास अपने आप पर, कॉन्फिडेंस होना। एक होता है कि मैं ही कर सकता हूँ और मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो ये हो गया घमंड। तो जब ये फीलिंग होगी ना, तब स्टेज पे तबला नहीं बजेगा। अब रही बात डर की, कि डर क्यों होता है, डर इसलिए होता है कि अगर आपके सामने कोई सीनियर आर्टिस्ट या कोई सीनियर परफॉर्मर है, अगर वो बैठा है और आपको ऐसा देख रहा है और आपको डरा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी आंखों में देखना नहीं, आपने उसकी आंखों में देख लिया, वो तो डराने के लिए बैठा है। देखो क्या होता है मेरे भाई, बहुत कम अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो दूसरे आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देते हैं, जो खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट एक दूसरे की बुराई करने के लिए ही होते हैं। जो आर्टिस्ट ऑडियंस में आते हैं, मैं म्यूजिशियंस की बात कर रहा हूँ, आर्टिस्टों की, उसमें से कुछ म्यूजिशियंस आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ म्यूजिशियंस आपको देख के जलेंगे, कुछ म्यूजिशियंस को तकलीफ होगी कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वैसा क्यों कर रहा है, अरे मेरे भाई तो तू कर ले आके। अब पता चला उनसे तो होता नहीं है वो, अब नहीं होता तो वो उसमें भी जेलेसी पैदा हो रही है। तो देखो एक्चुअली क्या है, ये जो आपका सवाल है ना, ये इसमें डर इसलिए आता है, आप किसी से डरिए मत। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, खुदा ने बनाई है, खुदा से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। खुदा के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो गुरु का दर्जा आता है, तो खुदा को याद रखें, गुरु का आशीर्वाद है आपके साथ, तो आपको किसी के पिताजी से, किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास जाइए, ईमानदारी से बजाइए,
ठीक है, जितना आता है उतना बजाइए, लेकिन ईमानदारी से बजाइए। बस वो ईमानदारी से अपना काम करके निकलिए, और जिसको अच्छा लगना होगा उसको आपका काम अच्छा लगेगा, जिसको खराब लगना है उसको खराब लगना ही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अरे लोगों ने तो बड़े बड़े उस्तादों को नहीं छोड़ा, उनके बारे में टिप्पणियाँ कर देते हैं, अरे वो फलाने उस्ताद ने ऐसा कर दिया, फलाने पंडित ने ऐसा कर दिया, तो लोग उनको नहीं छोड़ते यार, तो हम लोग कौन है। बस ये अपना काम करते चलो, अपने काम पे विश्वास रखो, खुदा पे विश्वास रखो, गुरु पर, गुरु का आशीर्वाद है आपके साथ, गुरु का नाम लेके चालू हो जाओ, और डरने का नहीं स्टेज पे, ज़रा भी डरने का नहीं, जहाँ डर गए वहाँ ख़त्म हो गए। आप ये देखो कि जो काम आप कर रहे हो क्या सामने वाला वैसा कर सकता है, उतना अच्छा काम सामने वाला कर सकता है क्या? अगर वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, तू तेरी जगह सरस, मैं मेरी जगह सरस, ठीक है ना। तो इसमें कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं रही सर, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डरा रहा है तो बस वो गुस्से से अभ्यास कीजिए, रियाज कीजिए कि यार इसने मेरे को डराया कैसा, नेक्स्ट टाइम मैं डराऊंगा इसको, तो ये फीलिंग से अभ्यास कीजिए, रियाज कीजिए। जब ये जज्बा लेके रियाज करेंगे तब आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब स्टेज पे जाते हैं तो सबसे पहले ये याद रखें, वो क्षण को याद कीजिए जब आप अपने गुरु के साथ मेहनत करते थे बैठ के रातों रात, दिन दिन रात रात आपके गुरु आपको तालीम दे रहा है, सिखा रहा है, दिन रात एक कर रहा है, आप अभ्यास कर रहे हैं उसमें, पसीने से लथपथ हैं, तो आप किसी तुच्छ म्यूजिशियन के डर से आप स्टेज पे डर गए और नहीं बजाएं, तो यार ये तो कमज़ोर वाली बात हो गई, डरना नहीं चाहिए। उस वक्त अपने गुरु की शिक्षा को याद कीजिए कि आपने कितनी मेहनत से संगीत सीखा है, और संगीत जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, जो करता है उसी का होता है, और डरने का नहीं। विनय प्रकाशन ब्लॉग, राधे श्याम गुरुजी, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। अदित्य विश्वकर्मा, सर आप कितने वर्ष के थे जब आपने तबला सीखना स्टार्ट किया? 6 साल का, जब मैं 6 साल की उम्र का था तब से। सर आपने खाना खाया क्या? आप कितनी देर से लाइव हो सर? सर मैं खाना जल्दी खा लेता हूँ सर, मेरा 8-9 बजे खाना हो जाता है सर। एक इनका अकाउंट है, इनका नाम है इजरायली संबोल 3125। ये पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। सर मुझे सबसे पहली बात तो हंसी भी आ रही है और मुझे खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात से हो रही है कि आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बावजूद आप ऑनलाइन आए और आपने इतना कष्ट उठा के आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो मेरे लिए तो सर बहुत बड़ी बात हो गई, थैंक यू सो मच। और अफसोस इस बात का हो रहा है, हंसी इस बात से आ रही है कि मेरे चैनल पे आप लाइव हैं, आपको मेरे चैनल से मेरा नाम पता चल सकता है। तो सर अभी मैं अपने बारे में क्या बोलूँ सर, आप कृपा करके आप खुद ही मेरे चैनल पे मेरा नाम देख लीजिए सर, या यहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए सर, वो बता देंगे आपको। मैं क्या बताऊँ सर। आदित्य विश्वकर्मा, सर आप कितने साल के थे जब आपने फर्स्ट भारत तबला दिखाया बजाया था? भारत तबला, मैं समझा नहीं। अच्छा मैं कितने साल का था जब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था? ओके, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था एट द एज ऑफ 12, जब मैं 12 साल का था सर, ऐसा। और मेरा पहला कॉन्सर्ट बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था, और मैं पैदा पला बड़ा बम्बई में, महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ मैं, बम्बई का हूँ मैं, बम्बईया हूँ मैं सर, मुंबई टी। आदित्य विश्वकर्मा, वेदांत भाव सर, सर आप तबला कहाँ बनवाते हैं? सर हमारा तबला बनता है, हमारा खुद का प्रोडक्शन है शकुरी के नाम से, हम लोग तबले बनाते हैं, और जिनको तबले चाहिए होते हैं वो हमसे तबला ख़रीदते हैं, ऐसा है। तो मैं सर अपना ज़्यादातर अपना ही ब्रांड बजाता हूँ सर, शकुरी।
सर आप खाली टाइम पे क्या करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। सर मैं खाली टाइम पे पिक्चर देखता हूँ थिएटर में जाके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं योगा करता हूँ सर, मुझे योगा बहुत पसंद है। साइकिलिंग करता हूँ सर, साइकिलिंग बचपन से शौक है, एक घंटा साइकिलिंग करता हूँ। ये हर तबला प्लेयर को साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम जो है बैठने का काम है, अलाती पलाती मार के बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बैठने का काम के वजह से ज़्यादा ऐसा होता है कि आगे का जो मटका है वो बाहर ज़्यादा आ जाता है, पेट जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर तबला प्लेयर्स जितने भी सबके पेट ऐसे ऐसे हैं, भारी हैं, तो उन सबको मैं यही कहूँगा कि कृपा करके कम खाएँ, अच्छा खाएँ और थोड़ा टकाटक रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। साइकिलिंग जो है वो संपूर्ण एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो फ्री टाइम पे मैं ये सब करता हूँ दोस्तों। पिक्चरें देखना थिएटर में बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरा एक कहीं ना कहीं मेरा काम भी है। प्रोडक्शन जो है, मैं फिल्म प्रोडक्शन में हूँ, मैं जैसे बैकग्राउंड स्कोर्स वगैरह है, जिंगल्स हैं, एल्बम्स हैं वगैरह, उसमें मैं काफ़ी मैं करता रहता हूँ काम, तो मुझे वो देखना भी ज़रूरी है। इसराइली संबोल, मैं जब छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अभी आपको देख के पुरानी यादें आ रही है। मेरे गुरु कहते थे कि मुझे म्यूज़िक समझ नहीं आती है, दुख होता था, छोटा था, जूनियर ग्रेड एग्ज़ाम क्लियर किया है। अच्छा, मीट आनंद सर, उस्ताद पंडित महाराज नाम का स्टेटस का मतलब कब मिलता है? सर ये तो दुनिया बोलती है सर, आपको आपको खुद नहीं मिलता, आपको आपके चाहने वाले देते हैं सर, या आपके प्रति जिनके दिल में मोहब्बत है, इज्जत है, जो आपको गुरु समान देखते हैं, तो वो आपको उस्ताद पंडित महाराज की पदवी देते हैं। ये अपन जेब में से उठा के चिपका लिया उस्ताद, ऐसा नहीं होता है सर। ये दुनिया जब आपके काम को पसंद करती है, जब उनके दिलों को आपका काम अच्छा लगता है, तब वो अप्रिशिएट करते हैं, उनके दिल से दुआ निकलती है, वाकई में मानते हैं आपको, शिद्दत से एक श्रद्धा होती है उनकी कि नहीं यार ये गुरु समान है, ऐसा है। सोनिक मॉडल, सर मैं बहुत दिन से तबला रियाज कर रहा हूँ, एक मोड़ का बायां है, एक थोड़ा मेटल का बायां लेने का सपना जैसा है, इसलिए पूछ रहा था, बाकी आपके हाथ से बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू सर। क्लासिकल सर आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं सर, एक नंबर, थोड़ा गा के दिखाइए, थोड़ा एक लाइन प्लीज़। अच्छा गाना गा के दिखाऊँ, कौन सा गाना गाऊँ यार? कौन सा गाना गाऊँ, अभी एकदम से गाना आ नहीं रहा है, मेरे बहुत से फेवरेट गाने हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। थोड़ा सा गुनगुनाया मैंने आपके लिए। और कौन है? विनय पकशन ब्लॉग, गुरुजी बता दीजिए। क्या बताऊं भाई, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। स्काई का एक सवाल है, सर मुझे तबला सेट एक डाल होगा या मुझे कैसा सेट बजाना नहीं आता? सर मैं समझा नहीं आपका सवाल, प्लीज़ क्लियर कीजिए बात को। जॉन मसीह, गुरुजी तबला प्लेयर्स जिम कर सकते हैं क्या? तबला प्लेयर्स जिम ज़रा भी नहीं कर सकते, जिम जो है उनके लिए सज़ा है। जिम जाने से क्या होता है, दिमाग भी मोटा हो जाता है, बाकी चीज़ें भी नहीं हो पाती, और हाथों की जो नस हैं वो भी जाम हो जाती है, तो धीरे धीरे तरीके देने के ना तबला नहीं बचता, तो जिम नहीं करना चाहिए।
जिम के अलावा आप साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, ब्रीफ वॉक लीजिए, स्विमिंग करिए, ठीक है। तो ये सब करना सही है, जिम नहीं करने का, जिम तबला प्लेयरों को शोभा नहीं देता। हाथों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, आप समझ रहे हैं, हाथों की जो नज़ाकत है एक तबला बजाने की, एक जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो ख़त्म हो जाती है, तबला जो है ठस हो जाता है, मठ हो जाता है, आपका हाथ जाम हो जाएगा। तो ये सब नहीं करने का बेटा। विनय प्रकाशन ब्लॉग, मेरा कमेंट मिस हो गई, प्लीज़ बताइए विनय आपका क्या कमेंट है। सत्यम सिंह, सर कितना इंच का तबले का प्रैक्टिस करना चाहिए? सर आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथों की उंगलियां हैं वो तबले के मुंह पे बराबर बैठती कि नहीं। तो सबसे अच्छा मुंह जो है 5.5 से 6.25 का है, उस पर तबला अभ्यास रियाज करना चाहिए। सॉरी, सर मोजा तबला सेटा सेटा एक दल हो गया या हा पर मोजा कैसा सटा बजाना नहीं आता। अभी सर ये कौन सी भाषा है सर? इसमें फ्रेंच भी है, इसमें मेरे को इसमें फ्रेंच भी है सर, इंग्लिश भी है और हिंग्लिश भी है, हिंग वाली वो दाल में जो हिंग का छौंका डालता है वो भी है सर। तो आप कौन सी भाषा को ऐसा मिक्स करके आप मुझे ऐसा बताएंगे, पेश करेंगे, तो सर वो मुझे इतना विद्वान, इतना बड़ा भाषाओं को लेके मैं विद्वान नहीं हूँ सर कि आपकी भाषा को मैं समझ लूँ पढ़ लूँ। तो कृपा करके ज़रा उसको अच्छे से समझाइए सर। सर आपने देखो फिर वही भेजा, सर मोजा तबला सेटा सेटा एक दल हो गया हाँ पर मुझे किसा का सेट बजा नहीं आता। सर मैं समझ में नहीं आ रहा, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। करण भाटी, हाय हाय करण जी, कैसे हैं? उज्जवल धिमरी, सर क्लासिकल तबला प्लेइंग से बॉलीवुड स्टाइल में तबला बजाने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए और प्रैक्टिस क्या करें? सबसे पहले तो ये देखिए कि जो जिस गुरु से आप सीख रहे हैं क्या वो गुरु लाइट सिखा पा रहे हैं? अगर वो नहीं सिखा पा रहे हैं तो ईमानदारी से उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे अपनी दिल की बात कहिए कि गुरुजी अब मुझे लाइट सीखना है। तो लाइट सीखने के लिए आप डिसाइड करिए, आप मतलब जो खुद सीखना चाह रहा है, शागिर्द की बात कर रहा हूँ, फिर आप उनके पास जाइए और उनके पास सीखिए। क्योंकि 85-90% गुरुज जो हैं क्लासिकल सिखाते हैं, लाइट नहीं सिखाते हैं, लाइट के लिए अलग तालीम लेनी पड़ती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर आप तबले की तालीम दे रहे हैं तो आपको तबला सक्षम तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि किसी को कव्वाली सीखना है, किसी को गज़ल सीखना है, किसी को फ्यूजन सीखना है, किसी को बॉलीवुड सीखना है, किसी को क्लासिकल सीखना है, ठीक है ना? तो सब अलग अलग तरीकों से आएंगे, सबको अपना अपना अलग स्टाइल से सीखना है। तो गुरु को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, हर स्टाइल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अभी मैं आपकी हेल्प यही कर सकता हूँ, आप अपने गुरु से पहले पूछिए कि गुरु जी आपसे मैं सीखना चाहता हूँ, लाइट आप सिखा पाएंगे? अगर वो गुरु बोलते हैं कि नहीं ये लाइट फालतू चीज़ है नहीं सीखने का, तो सबसे पहले वो गुरु को छोड़िए, वो गुरु बराबर नहीं है। कोई भी सही गुरु होगा किसी जॉनर को गलत नहीं कहेगा। हाँ, जो गुरु ये बोलेगा बेटा एक काम करो लाइट आपको सीखना है, आप फलाने फलाने शख्स से सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक जॉनर है, ये भी सीखना चाहिए, ये भी आना चाहिए, जो गुरु इस तरीके से ऐसे पेश आएगा उस गुरु को ज़िंदगी भर गुरु बना के रखिए। लेकिन जो गुरु ये बोलेगा कि लाइट म्यूज़िक नहीं सीखने का, ये सब फालतू चीज़ है, बेकार चीज़ है, पहली फुर्सत से वो गुरु को छोड़ के भागिए, नहीं तो वो गुरु आपकी लाइफ ख़राब कर रहा है, आपका करियर ख़राब कर रहा है, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई यहाँ। सत्यम सिंह, सर कितना इंच का तबला? बता दिया भाई, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, कश्मीर से हूँ, थैंक यू सो मच जी। तबला सीखना है, ज़ीरो हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? देखो मेरे प्यारो, मेरे लाल, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझे
अफसोस होता है कि यार मैं मेरे हर वीडियोस पे व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ, आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होती है, आप लोग इतना शर्माते क्यों हैं, आप लोग इतना संकोच क्यों करते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर बरसों से दिए जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट करें, जो भी डिटेल्स आपको तबले के बारे में जानकारी चाहिए वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। और हमारी जो फीस है वो इतनी भी महंगी नहीं है कि आपका घर बार बिक गया, गाड़ी बिक गई, इतनी भी महंगी फ़ीस नहीं है हमारी। हमारी फ़ीस बहुत सुंदर, सस्ता, टिकाऊ फीस है। हमारी फ़ीस उतनी ही है कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे परिवार के साथ बाहर जाके जो पैसा फालतू में उड़ाते हैं वो आप किसी तालीम में, अच्छी तालीम में ले लीजिए, उतनी हमारी फ़ीस है। अब वो कितनी है उस बारे में आप पता कर लीजिए और मैं बिल्कुल सिखाऊंगा आपको, आपको पूरी हेल्प करूंगा, आप जहां से भी हैं, ठीक है ना। और जिनको भी मुझसे सीखना है, तालीम लेना चाहते हैं, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक हमारा ऑफिस के नंबर्स चालू रहते हैं। आपको जो भी बातें पूछनी होती हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तबला की क्लासेस के सिलसिले में आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी और व्हाट्सएप करके भी, ठीक है। सर कितना इंच का तबला पे रियाज करना चाहिए? 5.5 से 6.5 इंच का तबला, तबला सीखते सीखते 1 साल ही हो गया सर, मुझे किसी के साथ बजाना नहीं आता। स्काई का सवाल बहुत अच्छा है, इनको 1 साल हो गया तबला बजाते हुए पर ये किसी के साथ बजा नहीं सकते, बड़ी अफसोस की बात है, मुझे खेद है इस बात का, लेकिन अब इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ सर, आप खुद डिसाइड कीजिए आपको किन से सीखना है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। वेदांत भाव सर, सर हाउ टू बाय शकूरी तबला? सर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा जो ब्रांड है शकूरी तबला वो 2 से 3 किस्म का है, एक बिगनर्स के लिए है, एक प्रो है, तबला प्रो है, एक कॉन्सर्ट तबला प्रो है। सो तीन अलग अलग किस्म के तबला पेयर्स हैं। इस बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाउ टू बाय शकूरी तबला, यू कैन गेट इन टच विथ अस ऑन व्हाट्सएप नंबर विच इज 8691065786। ओके, एंड वी विल डेफिनेटली विल लव टू हेल्प यू आउट। स्काई, तबला सीखते सीखते 1 साल हो गया, विलेज ऑफिशियल। सर तबले का एक बड़ा टुकड़ा जो आपके पास ही हो बोल के पढ़न कीजिए थोड़ा, हमारे पास बड़ा टुकड़ा नहीं है। हाँ चलिए पंजाब घराने की पढ़न तो सुनाता हूँ। धागे त्रक धागे तटक तान घिना तू न कथा त्रिक कथा कथा धड़ा न धड़ा न ता तक धुन धा धुन धा धुन धा धुन धा कट धा ते धाण धा ते धाण धा ते ता धागे त्रक धागे तटक तान घिना तू न कथा त्रिक कथा कथा धड़ा न धड़ा न ता तक धुन धा धुन धा धुन धा धुन धा तक न धुनता ते धागे धा ते धागे धा ते ता धागे त्रक धागे तटक तान घिन तू न कथा त्रिकट तक तक कथा धड़ा न ता तक धुन ता धुन ता दिन ता धुन ता कट धा ते धाण धा ते धाण धा ते धा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा तक दिन दिन दा धा। ये पंजाब घराने की गत थी। लाइट क्लासिकल दोनों अलग हैं, दोनों का नॉलेज बहुत जरूरी है एफ के टाइम पे। चेतन शुक्ला का बहुत अच्छा सवाल है, लाइट क्लासिकल दोनों अलग हैं, दोनों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर, बिल्कुल ज़रूरी है और ये आना ही चाहिए। और जिनको नहीं आता तो कृपा करके उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो सीख भी लें, चाहे वो कितने भी बड़े प्रोफेशनल तबला प्लेयर हो।
साहिल नरकर, सर आप ढोलक बजाते हो? बिल्कुल बजाता हूँ सर। जीवन, सर म्यूजिशियन की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, जॉब्स नहीं होती, कोई प्रोग्राम कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन घर को चलाना है तो एक नॉर्मल म्यूजिशियन के लिए क्या ज़रूरी है जिसका ज़्यादा नाम नहीं है, प्लीज़ बताएं। बड़ा अच्छा, बड़ा इमोशनल, बड़ा प्यारा सवाल है इनका, जीवन जी का। इन्होंने पूछा है एक म्यूजिशियन जो है उसको घर चलाना पड़ता है, तो प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो कभी कभी नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो घर कैसे चलाएं? सर ऐसा है, सबसे पहले दादरा कहरवा सीख के ले लीजिए। दादरा कहरवा अगर आपको आ गया है तो वो 12 महीनों बचता है, और वो जहाँ बचता है जो लोग उस माहौल में हैं उनको पकड़िए, क्योंकि वो 12 महीनों बिजी रहते हैं। अब दादरा कहरवा जो है वो दरगाहों पर भी बचता है, मंदिरों में भी बचता है, गुरुद्वारे में भी बचता है, ठीक है, चर्च में भी बचता है, और उसके अलावा पंडालों में बचता है, घर घर में बचता है, सब जगह बचता है। बच्चा पैदा होता है तो दादरा कहरवा बचता है, बच्चा बड़ा होता है, केक कटता है तो दादरा कहरवा बचता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है तो भी दादरा कहरवा बचता है, वो बड़ा होता है उसकी शादी होती है तो भी दादरा कहरवा बचता है, समझ रहे हो? तो पैदा होने से लेकर मरने तक दादरा कहरवा जो है ये बचता है, और ये 12 महीनों चलता है सर, किसी के पैदा होने से लेके परलोक सिधारने तक कहरवा दादरा बचता ही है। कोई परलोक भी सिधार चला जाता है, कोई गुजर जाता है बेचारा, तो उसके उसकी आत्मा को शांति देने के लिए भी भजन कीर्तन होता है, उसमें भी दादरा कहरवा ही बचता है। कोई पैदा होता है तो उसमें उसके लिए भी दादरा कहरवा बचता है। तो दादरा कहरवा सीखना बहुत ज़रूरी है, ये जब सीखोगे तो दाल रोटी चलेगी, घर का किचन चलेगा, और उसके बाद फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको तबले में करियर बनाना है तो सबसे पहले दादरा कहरवा सीखिए, बजाए 3 ताल सीखने के, ठीक है। मेरी ये बातें बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, मिर्ची लगेगी, लेकिन मिर्ची उसी को लगेगी क्योंकि बात सत्य है, ठीक है ना। तो मिर्ची ना लगाएं, कृपा करके सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। और जो शागिर्द गुरु लोगों के पास सीख रहे हैं उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शागिर्दों को ईमानदारी से सही बात सिखाइए। दाल रोटी सिखाना, दाल रोटी कमाना सिखाइए कि दाल रोटी कमा के तबला बजा के दाल रोटी कैसे कमाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, घर का किचन कैसे चलाओगे, घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाओगे, ये गुरुओं को सिखाना चाहिए। बजाय 25-25-30 साल शागिर्दों को अटका के रखना और कुछ बताना नहीं, ये गलत बात है। असली गुरु वही है जो शागिर्द को रोटी कमाने लायक सिखाए, वही असली गुरु है मेरी नज़र में। सुधा मिश्रा, सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड सर प्लीज़ बताइए धीरे धीरे में सफाई कैसे ले आए। सुधा जी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे में सफाई आप ऐसे लाएं, आपको मैं एक बोल बताता हूँ सुधा जी, यही बोल कीजिएगा, धीरे धीरे कटे तक, धीरे धीरे कटे तक, तेरे तेरे कटे तक, धीरे धीरे कटे तक, धीरे 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 कटे तक, तेरे 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 कटे तक, बस यही बोल आपको करना है 2 से 3 महीना धीमी लय में करना है। फिर धीरे धीरे आप 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकती हैं, और फिर ये बोल को आपको 100-150-200 बार डेली करना है। धीरे 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 कटे तक, तेरे 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 कटे तक, धीरे 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 कटे तक, सिर्फ धीरे धीरे पे अभ्यास करना है। और खुदा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो बिल्कुल 2 से 3 महीने में आपके धीरे धीरे में सुधार आना लगेगा। सर आप ऑनलाइन तबला यूट्यूब पे ही सिखाते हैं क्या या किसी एप्लीकेशन पर? सर मैं जूम पे सिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे सिखाता हूँ, ठीक है ना। आप आँख बंद करके रात को सोएंगे तो आपके सपने में भी आके सिखाऊंगा सर। आप मेरे को कितनी शिद्दत से चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो वो पता चल जाएगा सर, ठीक है।
और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके कैम मैंने दिया हुआ ही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है हर वीडियो पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, आप कितना कमाते हो? प्लीज़ सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, पर आप समझ सकते हो सर। सर मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ सर, ये सीक्रेट बात है, आप मुझे फ़ोन पे पूछेंगे तो मैं बताऊँगा आपको, ऐसे धीरे से, ठीक है। सुधा मिश्रा, सर आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स सर, यू आर ऑलवेज वेलकम सुधा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड ज्वाइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। हाउ टू प्रैक्टिस तबला विद प्योर हार्ट एंड प्योर ऑनेस्टी, दैट्स द बेस्ट आंसर। सो दोस्तों बड़ा मज़ा आया, और आपके प्यार का स्नेह का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करें, प्यार देते रहें, प्यार लेते रहें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको कहिए कि मुझे प्रार्थनाओं में याद रखें, और आप भी खुद अच्छा अभ्यास कीजिए, रियाज कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं इजाज़त लेता हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि मालिक ईश्वर अल्लाह आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आप मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।